हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। तो यस गाइस, जैसे कि अभी आप मेरे पीछे क्लिप देख पा रहे हो, मैं कितना ओपी वन शॉट मार रहा हूँ डेजर्ट ईगल से। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको डेजर्ट ईगल से वन शॉट मारने का एकदम ओपी ट्रिक दिखाऊंगा, जिसे गाइस अगर आप फॉलो करोगे तो उसके बाद आपका डेजर्ट ईगल से एकदम ओपी वन शॉट लगेगा। एंड गाइस, मैं इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ समझाऊंगा वो मैं आपको ऐसे मिस्टेक करके समझाऊंगा कि आप जब डेजर्ट ईगल से वन शॉट मारने जाते हो तब आप वहाँ पे क्या मिस्टेक करते हो। आई होप गाइस आपका अगला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड अगला वीडियो देखने के बाद आपका वन शॉट लगना पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो गाइस, अब हम एक छोटे से इंट्रो के बाद अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करें मिस्टेक नंबर फर्स्ट की, तो गाइस हमारा मिस्टेक नंबर फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उन्हें वन शॉट मारना रहता है तो वो ऑलवेज ऐसे कंटिन्यूस फायर करते हैं डेजर्ट ईगल से। गाइस कंटिन्यूस फायरिंग करने से होता क्या है, हमारा सारा गोली रिकॉल हो जाता है एंड हमारा कोई सा भी गोली एनिमी पे नहीं लगता। सो गाइस, आपको मिस्टेक नंबर फर्स्ट में तो सबसे पहले ये करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यूस फायरिंग नहीं करनी। एंड गाइस, यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ का ध्यान ये रखना है, जब भी आप वन शॉट मारने जाओगे तो गाइस वन शॉट मारते वक्त आपको यहाँ पे आपको अपने वेपन स्विच वाले बटन को यूज़ करना है। जैसा कि गाइस अभी आप स्क्रीन पे क्लिप देख पा रहे हो, जब भी मैं वन शॉट मार रहा हूँ तो वन शॉट मारते वक्त गाइस मैं ऑलवेज अपने वेपन स्विच वाले बटन को यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस, आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर को देखा भी होगा, जैसे वाइट एफएफ, जैक एफएफ या फिर राइ स्टार, गाइस वो जब वन शॉट मारते हैं तो वन शॉट मारते वक्त ऑलवेज अपने वेपन स्विच वाले बटन को यूज़ करके वन शॉट मारने का ट्राई करते हैं। ऐसा करने से गाइस होता क्या है, आपका गोली एनिमी के हेड पे बहुत जल्दी जाता है एंड आपका कोई भी रिकॉइल नहीं होता। इसी वजह से गाइस आप मेरे पीछे क्लिप भी देखो, मैं जब भी वन शॉट मार रहा हूँ तो मैं वन शॉट मारते वक्त ऑलवेज अपने वेपन स्विच वाले बटन का यूज़ करके वन शॉट मार रहा हूँ। गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी उन्हें वन शॉट मारना रहता है तो गाइज वो वन शॉट मारते वक्त ऑलवेज अपना जॉयस्टिक का यूज़ करके ऐसे वन शॉट मारते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है। ऐसा करने से गाइज होता क्या है, हमारा सारा गोली रिकॉइल हो जाता है एंड हमारा गोली एकदम टेढ़ा मेढ़ा जाता है। इससे तो गाइज हमारा ना ही बॉडी शॉट लगता है ना हेड शॉट लगता है। इसी वजह से गाइज आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर को देखा होगा कि वो ऑलवेज अपने जॉयस्टिक वाले बटन को एकदम ऊपर करके रख देते हैं। वो लोग गाइज ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि इससे होगा क्या, उनका एम स्टेबल रहे एंड उनका गोली रिकॉइल ना हो एंड उनका अधिकतर गोली हेड पे जाके लगे। इसी वजह से गाइज मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा खासा वन शॉट मारना है तो गाइज वन शॉट मारते वक्त आपको ऑलवेज अपना जॉयस्टिक कभी यूज़ नहीं करना। यस गाइज, आपने एकदम सही सुना, अगर आपको अच्छा खासा वन शॉट मारना रहता है तो गाइज उसके लिए आपको ऑलवेज एनिमी की पोजीशन को देख के फायर करना रहता है। लाइक गाइज, अगर आपका एनिमी साइडवाइज भाग रहेगा तो उसे आपको अलग मेथड से वन शॉट मारना है एंड अगर आपका एनिमी ऐसे स्टिल खड़ा रहेगा तो उसे आपको अलग मेथड से हेडशॉट मारना है। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपका एनिमी साइडवाइज भाग रहता है तो गाइज आपको उस कंडीशन में ऑलवेज रोटेशन ड्रैग का यूज़ करके उस एनिमी को वन शॉट मारना रहता है। चाहे गाइज अगर आप डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना चाहते हो, अगर आप ड्रैगनोब से हेडशॉट मारना चाहते हो, अगर आप शॉटगन से भी हेडशॉट मारना चाहते हो, तो गाइज उस कंडीशन में आपको उस साइड वाइज एनिमी को वन शॉट मारने के लिए गाइस आपको ऑलवेज रोटेशन ड्रैग के ट्रिक का यूज़ करना है। एंड फ्रेंड्स, अगर वहीं पे आपका एनिमी स्टिल खड़ा रहता है तो गाइस आपको उस स्टिल एनिमी को वन शॉट मारने के लिए सिंपल सा स्ट्रेट ड्रैग का ट्रिक का यूज़ करना है, जो कि गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मतलब कि गाइस मैं आपको मिस्टेक नंबर थर्ड में यह बोलना चाहता हूँ, अगर आपका एनिमी रनिंग कर रहेगा साइड वाइज तो उसे गाइस आपको रोटेशन ड्रैग के ट्रिक को यूज़ करके वन शॉट मारना है। एंड गाइस अगर वहीं पे आपका एनिमी स्टिल खड़ा रहता है तो उसे आपको नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करके वन शॉट मारना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा अगला वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर फ्री फायर गेम्स से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड अगर होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि फ्यूचर में आप तक ऐसे कंटेंट सबसे पहले लेके आते रहूँ। तो चलो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपना मिस्टेक नंबर फोर्थ की तरफ। मिस्टेक नंबर फोर्थ गाइस काफ़ी ज़्यादा छोटा मिस्टेक है एंड वाला मिस्टेक नॉर्मल बंदों से ऐसे ही गेम प्ले के अंदर हो जाता है, जो है कि गाइस वो लोग ऑलवेज अपना सेंसिटिविटी को कम करके रखते हैं। लाइक जो लोग बिगनर होते हैं, जो फ्री फायर खेलना स्टार्ट करते हैं, वो लोग अपना सेंसिटिविटी को कम करके रखते हैं ताकि उनका एम परफेक्ट हो जाए।
बट गाइज मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ, अगर आपको अच्छा खासा वन शॉट मारना रहता है गाइज, तो उसके लिए आपको ऑलवेज अपना सेंसिटिविटी को 100 करके रखना पड़ता है। मैं आपको अप्रोक्स हर वीडियो में बोलता हूँ सेंसिटिविटी 100 करने से गाइज होता क्या है। आपका एम लॉक नहीं होता है, जब भी आप अपने फायर वाले बटन को ऊपर करोगे तो गाइज इससे होगा क्या, आपका वो एम एनिमी के बॉडी पर लॉक नहीं होगा एंड सीधा एनिमी के हेड पर जाके लगेगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ क्या करना रहेगा, आपको गाइज आपका जो फायर बटन है आपको आपके फायर वाले बटन को थोड़ा सा नीचे रखना है। तो गाइज ये वन शॉट मारने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक हो जाता है। फायर वाले बटन को नीचे रखने से होता क्या है, आपके हाथ को ज़्यादा स्पेस मिलता है अपने फायर वाले बटन को ऊपर करने के लिए, जिससे गाइज आपको ऑलवेज क्या होगा, जब भी अपने फायर वाले बटन को ऊपर करोगे तो आपका वो एम एनिमी के चेस्ट पर लॉक नहीं होगा एंड आपका एम एनिमी के हेड पर जाके लेगा। मिस्टेक नंबर 5 गाइस बेसिकली एक मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा खासा वन शॉट मारना है, चाहे वो शॉट गन से हो, चाहे वो डेजर्ट ईगल से हो, चाहे वो ड्रैगनोप से हो, तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने गाइस आपको यहाँ पे जो भी मिस्टेक बताया है, आप प्लीज़ उन मिस्टेक को अपने गेम प्ले में मत करना। एंड गाइस बाय द वे, आपका अगर यहाँ से कोई सा भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे अपना ट्रेनिंग मोड में जाके सही कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ट्रेनिंग मोड में देना। गाइज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग मोड में आपका उतना ही ज़्यादा वन शॉट लगना पड़ेगा। आपने तो गाइज कोड पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो गाइज आपको यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है वन शॉट का। आप डायग्नोप से कर सकते हो, डायरेक्ट गल से कर सकते हो, शॉट गन से भी कर सकते हो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा वन शॉट मारने में एंड आप वन शॉट मारने में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। सो आई होप गाइज मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ बताया आपको वो चीज़ समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पे फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स अगर होगा तो हमारे वीडियो का लाइक जरूर करना, क्योंकि हम मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो सबसे पहले पहुँचाऊँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।